हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं क्रेज टेक पर। अगर आप एक नया फ़ोन लेने की सोच रहे हैं या फिर अपने पुराने फ़ोन को चेंज करने की सोच रहे हैं और चाहते हैं कि उसके अंदर पबजी बहुत ही अच्छे से प्ले हो और साथ ही आपका बजट जो है 10,000 रुपये के अंदर है, तो आज की ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है फ्रेंड्स। बिकॉज मैं आज आपके लिए टॉप 3 ऐसे फ़ोन्स लेके आया हूँ जिनके अंदर आप पबजी बहुत ही अच्छे से खेल सकते हैं। इन फ़ोन्स के अंदर आपको कम से कम HD तक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है पबजी में, और साथ ही इन सभी फ़ोन्स में आप ऑलमोस्ट सभी हाई ग्राफिक्स वाले गेम्स खेल पाएंगे। मैंने अपने लिस्ट के अंदर केवल उन्हीं फोन्स को रखा है जिनके अंदर आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिले और साथ ही स्टाइलिश लुक्स भी देखने को मिले। इन सभी फोन्स में आपको कम से कम 3 GB की रैम और 32 GB की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। तो चलिए चलते अपने लिस्ट की तरफ। हमारी लिस्ट में जो सबसे पहले नंबर पर फोन आता है उसका नाम है रियलमी का रियलमी U1। इसके अंदर आपको 6.3 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ। रैम की बात करें तो 3 GB की रैम, 32 GB की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं 256 GB तक। इसके अंदर डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है आपको। कैमरा इसके अंदर 13 MP प्लस 2 MP का बैक दिया गया है विद LED फ्लैश एंड 25 MP का फ्रंट दिया गया है। प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर 2.1 GHz का MediaTek का Helio P70 ऑक्टाकोर प्रोसेसर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, पबजी को बहुत अच्छे से हैंडल करता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो ड्यूल 4G वोल्ट सपोर्ट करता है। बैटरी इसके अंदर 3500 mAh की दी गई है। इस फोन के अंदर आपको फिंगरप्रिंट के साथ साथ फेस अनलॉक का फीचर भी देखने को मिल जाता है। OS की बात करें तो ऑडियो पे वर्क करता है। इसका प्राइस 9,999 रुपीज़ है और ये आपको अमेजोन पे मिल जाता है। चलते हैं अपने दूसरे फ़ोन की तरफ। हमारी लिस्ट में जो दूसरे नंबर पे फ़ोन आता है इसका नाम है रेडमी का नोट 7। इसके अंदर आपको 6.3 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है डॉट नॉच के साथ। रैम इसके अंदर 3 GB की दी गई है, स्टोरेज 32 GB है, इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं 256 GB तक। बट इसके अंदर आपको डेडिकेटेड स्लॉट देखने को नहीं मिलता है, मतलब आप या तो 2 SIM लगा सकते हैं या तो 1 SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। कैमरा की बात करें तो 12 MP प्लस 2 MP का बैक दिया गया है विद LED फ्लैश एंड 13 MP का फ्रंट दिया गया है। प्रोसेसर इसके अंदर 2.2 GHz का स्नैपड्रैगन का 660 AI चिपसेट दिया गया है, जो कि एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। कनेक्टिविटी की बात करें तो 4G वोल्ट सपोर्ट करता है। बैटरी इसके अंदर 4000 mAh की दी गई है। इसके अंदर भी आपको फिंगरप्रिंट के साथ साथ फेस अनलॉक का फीचर देखने को मिल जाता है। OS की बात करें तो इस पर पाई आपको देखने को मिल जाता है और ये MIUI पर रन करता है। प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस 9,999 रुपीज़ है और ये आपको फ्लिपकार्ट पर मिल जाता है। हमारे लिस्ट पर तीसरे नंबर पर जो फ़ोन है फ्रेंड्स, वो मेरे अकॉर्डिंग जो है सबसे बेस्ट फ़ोन है इस टाइम मार्केट में। बिकॉज जो है आपको जो मैंने अभी तक फ़ोन्स बताए हैं उन सबसे इसका प्राइस भी थोड़ा सा कम है और इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। बस इसके अंदर एक ही कमी है, इसके अंदर आपको फुल HD+ डिस्प्ले देखने को नहीं मिलती है। इसके अंदर HD+ डिस्प्ले है, बट देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसका भी अपना प्रॉफिट है। इससे आपको जो है बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पर जो फ़ोन है उसका नाम है रियलमी 3। इसकी डिस्प्ले की बात करें तो 6.22 इंच की आपको HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। ये भी एक ड्यू ड्रॉप नॉच है। रैम की बात करें तो 3 GB की रैम, 32 GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं 256 GB तक। इसके अंदर डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिल जाता है आपको। कैमरा की बात करें तो 13 MP प्लस 2 MP का बैक दिया गया है विद LED फ्लैश प्लस 13 MP का फ्रंट दिया गया है। प्रोसेसर इसके अंदर 2.1 GHz का MediaTek Helio P70 ऑक्टाकोर प्रोसेसर दिया गया है। कनेक्टिविटी की बात करें तो ड्यूल 4G वोल्ट सपोर्ट करता है। बैटरी इसके अंदर 4230 mAh की दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी बैटरी है। इस फोन के अंदर भी आपको फिंगरप्रिंट के साथ साथ फेस अनलॉक का फीचर देखने को मिल जाता है। OS की बात करें तो पाई दिया गया है कलर OS के साथ। प्राइस इसका जो है फ्रेंड्स 8,999 रुपीज़ है, ये भी आपको फ्लिपकार्ट पर मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे टॉप 3 ऐसे फ़ोन्स जिनको आप परचेज़ कर सकते हैं 10,000 रुपीज़ के अंदर। इस टाइम मार्केट में सबसे बेस्ट फ़ोन है पबजी के लिए। मैंने इन सभी फ़ोन्स में पबजी खेल के देखा है, यकीन मानिए फ्रेंड्स, इसके अंदर पबजी बहुत अच्छे से रन करता है। तो अगर आप 10,000 रुपीज़ के अंदर कोई फ़ोन परचेज़ करना चाहते हैं तो ये तीनों ऑप्शंस आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर कीजिए। गुड बाय।